share and subscribe to i2tv Telugu. How do you do it? हमारे साथ जो हालात पेश आ रहे हैं कोरोना के तौर से, इसके पेश नजर हमको इनसे बहुत सारी तकलीफ हो रही है। एक महीने से तकरीबन एक एक रुपये हुई जो डेली बेस आदमी जो 500 रुपये मजदूरी करके जीने वाला होता, उसका घर कैसा चल रहा होगा वो सोचकर कई बार हमको नींद हराम हो गई। और मैं तकरीबन 15-20 दिन से तो मैं ये वर्क में लगा हुआ हूँ, जहाँ पे भी है मैं बगैर बोले के आज तक तो नहीं आया आपके लिए, पहली बार यहाँ पर आपके लोगों के सामने आ रहा हूँ। और ना मैं तो बंद मुट्ठी ले आके पहुँचाने वाला हूँ, पहली बार मैं सामने आया, लिहाजा मैं आप लोगों के ज़रिए सबको पहुँचाना है। ये है कि तकरीबन दाताल तो बहुत है और हर कोई अगर से जैसे मुसलमान में अपने को 2.5% ज़कात निकालने का है, इस तरीके से आज के हालात के हिसाब से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ 2% 5% नहीं बल्कि 5% भी निकाले तो कम है। इस तरह के सब एक गरीब की मदद कर सकते हैं, 2.5% मुस्लिम को दो, 2.5% हिंदू को निकालो। इस लिहाज से अपन गंगा रहती गंगा जमनी तहजीब है अपने पास तेलंगाना में भी हिंदुस्तान में, उसको अपन बरकरार रखना है। और मेरे आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि हर गरीब का कोई मजहब नहीं, गरीब का कोई मजहब नहीं होता, खूब जिसको लग रही है अपन उसको वक्त पर पहुँचाने का अपना फर्ज बनता समझ के हर कोई अपना काम करे, काम करना चाहिए। हर किसी को मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और हमारे सत्यम साहब अपने चेयरमैन होना और अपने वाइस चेयरमैन जमारो साहब और हमारे यूथ पूरा जो हमारे साथ में साथ दे रहे, मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग वक्त हमारे को साथ दिए। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसको आगे फैलाए।